कह रहे हैं कि हम कैसे रखेंगे उन्हें? रखेंगे आप लोग से कुछ। मित्र हमारे साथ मालती चौहान है, लगातार एक विवाद मालती चौहान विष्णु राज में चल रहा है। अभी सच्चाई क्या है, बातचीत करेंगे। जो लगातार एक विवाद चल रहा है उसमें क्या सच्चाई है? मालती चौहान शादी करके अर्जुन से जो है कि अभी फिर विष्णु के पास जाना चाहती हैं। क्या दोस्तों, भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये जो शादी वादी वाला मैटर था, ये सब मतलब गलत था। और हम ये कहेंगे कि हम इस शादी से, इस उत्थू से हमको हम नहीं, क्योंकि ना ही वहाँ पंडित थे, ना ही कोई साबूत है, ना ही कोई कुछ जानता है। कौन कौन था हमारे शादी में? कोई नहीं था। लेकिन तो, वीडियो जारी हुआ। हाँ, जारी और वीडियो हुआ। वीडियो में ये भी हो सकता है कि शूटिंग हुआ है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये बात तो प्रूव नहीं हो पा रहा है, शूटिंग हो रहा है, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ गया है। अगर आप कह रहे शूटिंग भी हो रहा है, विवाद जो बढ़ गया तो हम यही कहना चाहते हैं, विवाद बढ़ने का बहुत गलत हुआ कि विवाद हो गया इस पे। ना ही उनको समझ में आया, ना ही हमको समझ में आया, ना ही उनको समझ में आया। सब गुस्से से हुआ है, क्योंकि गुस्से में लोग, आप गलती मान रहे इस बात? हाँ, शादी जो की है। हाँ, हम गलती मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं सभी से। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि मुझसे गलती हुआ है, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा मुझसे। और हम यही कहना है, मेरा कहना है कि हम जाएंगे अपने पति के पास, काली जगदीशपुर, हम वहीं पर जाएंगे अपने ससुराल। आप बड़ी गलती कैसे की? आपके पास एक बच्चा है, पति पहले से था, तो आपको एक बार सोचना चाहिए ना। तो यही बात उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं कि आपकी भी बीवी थी, आप क्यों दूसरी लड़की से चक्कर लगाए? ऐसे आप किसी के हाथ से सिंदूर पहन सकती हैं? नहीं, वो सिंदूर नहीं था। कोई साबूत करेगा सिंदूर नहीं था। अगर सुनिए, एक आप भगवान को साक्षी मानकर मिट्टी भी लगा लेंगे तो शादी माना जाता है? नहीं, हम नहीं मानते हैं, वो शादी मेरा नहीं था। शादी आप नहीं था? अर्जुन दावा कर रहे हैं आप? उनके कहने से नहीं होगा कुछ। अब वही राहुल कह रहे हैं कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल किए हैं, राहुल कह रहे हैं कि ये बात सत्य है कि अर्जुन और उनसे प्यार करते थे। एक मिनट, अगर वो कुछ किया नहीं होता ना, तो आज उसी का देन है कि यहाँ तक मामला आया है, उसी का देन है। और वो कह रहा है कि अर्जुन से शादी, कोई साबूत है तेरे पास? लाकर दिखा मुझे। अच्छा, ये बात बताइए मालती जी, जो मामला ये चल रहा है राधिका वाला, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत है। और कोई हमारे साथ कोई साबूत नहीं है। हमारे अब तो हमारे ससुराल वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन तो ये हम लोग, हमारे पूरा गांव में सब लोग जानते हैं कि ये राधिका वाला बात सच है। अर्जुन कह रहे हैं हम उनको साथ अपने रखेंगे। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा, हमारा मर्जी, हमारा मन कहेगा। हमारे पति हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझसे शादी किया है? कोई नहीं है जी, आप उनकी पत्नी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई किसी पत्नी जो है कि अपने पति को छोड़ के चली जाए? नहीं, चार दिन पांच पांच दिन नहीं, एक मिनट, पति भी तो दूसरे के हाथ सौंपा है ना, पति भी तो किया था ना, पति के अगर कोई पत्नी अगर अपने पति से कुछ बता दे तो उसका पति का फर्ज बनता है कि समझाना, लेकिन तो वो समझाए नहीं, वो भेज दिए सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत बदनाम कर दिए। ये अगर आप सब बात जानते थे तो आपको मुझे एक बार समझाना चाहिए, ये ना कि आप सोशल मीडिया को पहले दिखाएंगे। आप बार बार आरोप लगा रही थी राधिका को, कौन है राधिका जो उनको इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? भैया, राधिका है जो कि पिपराइज की रहने वाली है, उसका बस इतना पता है, पिपराइज की रहने वाली है, उसके पास बाप नहीं है। देखा था कैसे आरोप ही लगा दिया? क्यों नहीं देखे हैं? सब कुछ देखे थे, मुझे नशा का गोली दिया जा रहा था, नशे में हमें तो कहते हमने कोई गोली नहीं उनको खिलाया है। कोई कहता है कि हम गलत हैं, हम कह रहे हैं हम अपना गलती मान रहे हैं, लेकिन तो कोई कहेगा नहीं कि हम गलत हैं, सब लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। शादी कर लेता है नहीं मंदिर में? शादी कौन कहेगा? शादी था कौन कहेगा? शादी किसी के कहने से? दुनिया क्या कहती है हम जानते हैं ना, दुनिया क्या कहेगा? अगर कोई पत्नी उसकी शादी पहले से हुई है, हाँ, किसी के साथ हो, गैर मर्द से कैसे सिंदूर हो, चाहे अबीर हो, चाहे रंग हो, गोबर माटी कुछ भी हो, कैसे वो डलवा सकती है? नहीं नहीं, वो कोई जानता है कि वो रियल है? वहाँ पर कोई साबूत है? तो आपके पास क्या साबूत है कि वो शूटिंग हो रहा था? कौन, क्यों नहीं है मेरे पास? हम शूटिंग करते हैं, हम लोग का काम हुई है। अच्छा, ये काम आप कर रही हैं, लेकिन मालती जी, जो विवाद बढ़ गया ना, शूटिंग था, हम अब नहीं बात कर सकते। अच्छा, आप जो भी हो गया, आप लोग ने बोला था कि दो मिनट के लिए करेंगे, हो गया। लेकिन सवाल ये बताइए, अगर किसी पति या पत्नी का अगर शादी हो गया, या कोई महिला की शादी हो गया, तो क्या किसी और के साथ जाना चाहती है? नहीं नहीं, जाना नहीं चाहते हैं, हम गए भी नहीं, हम तो यहीं पर हैं। आप लोग किसी से भी पता कर लीजिए, हम यहीं पर हैं। अगर विष्णु राज आपको ना रखे तो फिर क्या करें? क्यों नहीं रखेंगे? हमारा उनके पे, हमारे उनके घर, उनके पूरा हक है मेरा। बस यही कहना चाहते हैं कि हम कैसे रखेंगे उन्हें? रखेंगे आप लोग से कुछ नहीं, कैसे रखेंगे? विष्णु राज जो कह रहे हैं कि मालती दारू पीती है, गुल खाती है, इसकी कहां तक सच्चाई? नहीं नहीं, कोई ये सच्चाई कौन देखा? उनको वो देखे हैं? अगर देखे होते तो
वीडियो बनाना चाहिए सब चीज़। एक मिनट देखे हैं तो वीडियो बनाना चाहिए, सब चीज का सबूत रहता है, इसका भी तो सबूत रहना चाहिए ना। आपका बाबा सत्य है, जैसे आप जाना है कि नहीं? मालती जी बिल्कुल जाएंगे, काली काली नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बस हो गया, कहाँ जाएंगे? काली जगदीशपुर जाना है। मायके में जाएंगे कि ससुराल में जाएंगे? ससुराल में जाएंगे। क्यों मायके में जाएंगे? ससुराल में शादी हुआ है तो ससुराल में नहीं रखेंगे बोल रहे थे। मायके वाले आपके भाई भी कह रहे हैं तो नहीं रखेंगे, मालती गलत कदम उठाई है। वो तो अभी कल आया था मुझे लेने के लिए। अच्छा ससुराल हम मायके में जाएंगे क्यों? हाँ, मेरा वहाँ है क्या? मेरा जब देखिए जब लड़की का शादी हो जाता है ना तो उसका सब कुछ उसका ससुराल लेता है। तो विष्णु पास जाएंगे आप? और आप चलिए चलिए आज ही चलिए। देखिए जो है कि अभी मालती जो है कह रही है हम और ये भी कहना चाहते हैं, ये भी जिस तरह आप लोग माइक लगा एक मिनट नहीं भैया ये तो होगा ही। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ऐसी नहीं ऐसी है तो आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ, सभी मीडिया भाई से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह मेरा सभी का इंटरव्यू लिए हैं उसी तरह हमारे नन्हे भैया संतोष भैया आप लोग से कहना चाहती हूँ, आप ही लोग मिलवाएंगे हमको विष्णु राज से। बस आप चलिए आज ही मिलवाएंगे आपका। देखिए मालती जो है कि अभी कह रही है कि हम वापस से फिर जाएंगे विष्णु राज के पास यानी काली जगदीशपुर, देख सकते हैं।